What's up back to the अब बारी आ गई है हमारी दूसरी दो किताबों का एक बार थियरी पोर्शन चेक करना और एक क्विक रिविजन लेना जिसमें हम कवर करेंगे एनालिसिस वाला पार्ट और उसके साथ साथ शेयर्स एंड डिवेंचर्स वाला पार्ट तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस पार्ट को और उसके बाद हमें करने हैं आज पी वाई क्यूज चलिए लेट्स बी

देन वी हैव फीचर्स ऑफ द कंपनी फीचर्स की बात करें तो सेपरेट लीगल एंटिटी यानी अपनी पहचान पर पीचुअल एक्जिस्टेंस मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट कंपनी में गो ऑन फॉर एवर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती थी कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है जितना इतना जिसने पैसा लगाया वो उतना ही लाइबल है कॉमन सील जिसको हम सिग्नेचर ऑफ द कंपनी भी बोलते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स ट्रांसफरेबिलिटी पॉसिबल होती है मैनेजमेंट और ऑनरशिप अलग अलग होती है यानी कि अगर आपने शेयर खरीदा है तो जरूरी नहीं है कि आपको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कराया जाएगा मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं ऑनरशिप शेयर होल्डर की होती है कितने प्रकार की कंपनीज होती हैं सर कंपनीज होती हैं हमारे पास देखो ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी मेम्बर्स कंट्रोल सबसे पहले कंट्रोल की बात करें तो एसोसिएट कंपनीज होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी होती है यानी एसोसिएट कंपनीज होती हैं जो आपके एसोसिएशन में साथ में मिल काम कर रही होती हैं होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी होता है कि आप लोगों के अंडर में एक कंपनी काम कर रही है तो वो आपकी सब्सिड्री है आप उसकी होल्डिंग हो ठीक है उसके बाद अगर हम मेंबर्स के बेसिस पे बात करें तो ओपीसी वन पर्सन कंपनी जिसमें एक ही इंसान होता है प्राइवेट कंपनी जिसमें याद रखना दो से दो सौ मेंबर्स होते हैं मिनिमम टू मैक्सिमम टू हंड्रेड पब्लिक कंपनी जिसके अंदर मिनिमम सेवन मैक्सिमम अनलिमिटेड कोई भी नंबर का वहां पे अनलिमिटेड हो सकते हैं ये नहीं बताया कितना नंबर होगा तो याद रखना ओपीसी वन पर्सन कंपनी एक ही होगा प्राइवेट कंपनी मिनिमम टू मैक्सिमम टू हंड्रेड पब्लिक कंपनी मिनिमम सेवन मैक्सिमम अनलिमिटेड ऑल राइट कंपनी की लाइबिलिटी की बात करें लिमिटेड बाय शेयर्स लिमिटेड बाय गारंटी अनलिमिटेड कंपनीज अनलिमिटेड में तो जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है लिमिटेड बाय गारंटी जितना आपने गारंटी करा है उतनी आपकी लाइबिलिटी होगी लिमिटेड बाय शेयर्स जितने आपके पास शेयर्स हैं उतनी आपकी लाइबिलिटी होगी शेयर का मतलब क्या होता है शेयर है कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स पार्ट्स छोटे छोटे में अगर कैपिटल को डिवाइड करा गया है उसको शेयर बोलते हैं नेचर ऑफ शेयर शेयर को क्या कंसिडर करके चलते हैं याद रखना बेटा ये इंपॉर्टेंट है एक नंबर के लिए इंडिया सवाल दिस इज इंडिया सवाल क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं शेयर को हम गुड्स कंसिडर करते हैं और कौन से एक्ट में सेल ऑफ गुड्स एक्ट उन्नीस में ये याद रखना ठीक है शेयर को क्या कंसिडर कराया जाता है गुड्स कंसिडर कराया जाता है अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट शेयर को क्योंकि खरीद सकते हो बेच सकते हो एंड ये आपको याद रखना है कितने प्रकार के शेयर्स हो सकते हैं दो प्रकार के इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स दो प्रकार के शेयर्स होते हैं इक्विटी और प्रेफरेंस इन दोनों में से किसके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते प्रेफरेंस के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते इक्विटी के पास वोटिंग राइट्स होती हैं बाकी प्रेफरेंस को प्रेफरेंस दिया जाता है किस चीज में नंबर वन जब सबसे पहले डिविडेंड मिलेगा तो इनको मिलेगा नंबर जब रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होगा तो भी इन्हीं का पहले होगा यानी डिविडेंड भी पहले इनको मिलता है और जब कंपनी बंद होगी तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी पहले इनका होगा इक्विटी को क्या बोला जाता है दीज आर ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर एंड इट कम्प्राइजेज द बल्क ऑफ द शेयर बल्क ऑफ द शेयर इक्विटी ही होते हैं एज इक्विटी शेयर होल्डर यू आर नॉट एंटाइटल टू वोटिंग राइट वोटिंग राइट्स नहीं मिलते बट ऑल्सो यू हैव द राइट टू रिसीव हाई डिविडेंड्स डिवि डिविडेंस ज्यादा मिलते हैं क्योंकि इसमें फिक्स नहीं होते ऊपर नीचे हो सकते हैं

और नॉन क्यूमलेटिव में जो गया सो गया वो फिर ऐड करके नहीं मिलेगा तो क्यूमिलेटिव कौन से होते हैं इन द केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसर्स अ कंपनी डजेंट डिक्लेयर एन एनुअल डिविडेंड बेनिफिट इज कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर में मिल जाता है क्यूमलेटिव में नॉन क्यूमलेटिव में ऐसा कुछ नहीं होता पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस प्रेफरेंसयर पार्टिसिपेटिंग कौन से होते हैं जिनको अगर साल के बीच में कोई एक्स्ट्रा सरप्लस हुआ तो उसमें पार्टिसिपेट करने का राइट right होता है उसको हम पार्टिसिपेटिंग बोलते हैं अगर किसी एक्स्ट्रा प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का राइट right नहीं है उनको हम नॉन पार्टिसिपेटिंग बोलते हैं तो पार्टिसिपेटिंग आर पार्टिसिपेटिंग अलाउ शेयर होल्डर्स टू रिसीव सरप्लस प्रॉफिट दिस इज ओवर एंड अबव द रिसप्ट ऑफ डिविडेंड ठीक है नॉन पार्टिसिपेटिंग में ऐसा नहीं होता कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल जो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं वो कन्वर्टेबल जो कन्वर्ट नहीं हो सकते वो नॉन कन्वर्टेबल अच्छा कन्वर्टेबिलिटी कुछ टाइम के बाद होती है बच्चे ऐसा नहीं है कि आज आपने प्रेफ्रेंस खरीदा कल आप उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर लोगे ऐसा नहीं है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद होता है रिडिमेबल और इन रिडिमेबल रिडीमेबल कौन से होते हैं जो कंपनी रीपे करती है स्पेसिफाइड टाइम पीरियड यानी उनके साथ टाइम पीरियड जुड़ा होता है कि भैया पांच साल बाद रिडीम होंगे छह साल बाद रिडीम होंगे आठ साल बाद रिडीम होंगे इन रिडेमेबल में ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं होता जब कंपनी लिक्विडेट होगी तभी उसका पैसा वापस मिलेगा रिडेमेबल प्रेफरेंस टू बी रीपेड बाई दिनिपलेटेड पीरियड एंड इन रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट बी रीपेड बिफोर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी ठीक है शेयर कैपिटल क्या होता है जितना भी कैपिटल शेयर से कलेक्ट करा गया है उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं कितने प्रकार की शेयर कैपिटल होती है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सबसे पहले ऑथोराइज जिसको हम रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल है जो कंपनी रेज कर सकती है शेयर इशू करके ये कहाँ पे लिखी होती है कंपनी के मेमोरेंडम में याद रखना एक नंबर के लिए एमओ में दिया होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इशूड शेयर कैपिटल वो है जो पोर्शन कंपनी का विच हैज बीन ऑफर्ड टू द इन्वेस्टर थ्रू इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर्स जो पब्लिक में इशू करा जाता है उसको इशूड शेयर कैपिटल बोलते हैं जितना इशूड का याद रखना द पोर्शन ऑफ इशूड ये एक नंबर में पूछ सकता है एमसीक्यू में पूछ लेगा कि सब्सक्राइब्ड में कौन सा होता है द पोर्शन ऑफ इशूड द पोर्शन ऑफ तो यहां के बोलेंगे इशू का ठीक है कॉल्ड अप कॉल्ड अप होता है द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच बीन कॉल्ड बाय द डायरेक्टर्स ठीक है रिजर्व कैपिटल ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व आपसे पूछ लेता है तो कैपिटल रिजर्व बेसिकली क्या है वो रिजर्व जो कि रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है जिसमें हम वो सारे प्रॉफिट्स ट्रांसफर कर देते हैं जो कैपिटल नेचर के होते हैं यही करते हैं देखो जब आपका शेयर फॉर फ्यूचर का प्रॉफिट होता है वो कैपिटल रिजर्व में जाता है, है ना तो कैपिटल रिजर्व बेसिकली एक ऐसा रिजर्व है जिसके अंदर कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स ट्रांसफर करे जाते हैं और रिजर्व कैपिटल क्या होता है रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी रिजर्व कर लेती है कि हम इस कैपिटल को रेज ही नहीं करेंगे सिर्फ उस सिचुएशन में रेज करेंगे अगर इतनी बुरी हालात हो जाए कंपनी बंद होने वाली है कंपनी को इतनी पैसे की शॉर्टेज हो जाए कि कंपनी बंद होने वाली है तो ऐसा कैपिटल जो कंपनी कॉल ही नहीं करती है कब तक जब तक वाइंडिंग अप जैसी सिचुएशन ना आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं रिजर्व कैपिटल एज पर सेक्शन सिक्सटी फाइव ऑफ द कंपनीज एक्ट ओनली कंपनी याद रखना अनलिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल हैव रिजर्व कैपिटल, कैपिटल पेड अप कौन सी होती है अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय द शेयर होल्डर जितना शेयर होल्डर ने पे कर दिया उसको हम क्या बोलते हैं पेड अप, ओके कॉल्ड अप जो कंपनी ने कॉल करा इसके बाद कंपनी शेयर्स कैसे इशू कर सकती है आगे क्या लिखा है अगर कंपनी ने शेयर इशू करा है वैसे तो दो ही तरीके से हो सकता है जो भी उसका वैल्यू है उसके बराबर तो उसको बोलते हैं पार पे ज्यादा पे करा तो प्रीमियम पे कम पे तो डिस्काउंट पे यूजुअली डिस्काउंट पे पब्लिक को तो अलाउड नहीं है बट हाँ जिस तरीके से हमारे पास स्वेट इक्विटी शेयर्स वगैरह होते हैं तो वो डिस्काउंट पे दिए जाते हैं उनके बारे में वही चर्चा करने वाले हैं पब्लिक सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें बच्चे तो जनता को जब शेयर इशू करे जाते हैं उसको पब्लिक सब्सक्रिप्शन बोलते हैं सबसे पहले फुल सब्सक्रिप्शन होता है फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब जितने शेयर इशू करे गए सारे बिक गए उसको फुल सब्सक्रिप्शन बोलते हैं जर्नल एंट्री आप जानते हो अंडर सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूँ तो जितने आपने ऑफर करे हैं उससे कम बिके हैं उसको हम अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं नेक्स्ट आता है ओवर सब्सक्रिप्शन जितने आपने ऑफर करे हैं उससे ज्यादा की डिमांड आ रही है उसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हमें प्रो राटा की जरूरत पड़ती है यानी आपको एडजस्ट करना पड़ता है नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास ये सब तो कुछ नहीं है ये है हमारे काम की चीज़ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स व्हाट इज़ प्राइवेट प्लेसमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट होता है जब कंपनी अपने शेयर्स कुछ सेलेक्टिव इंडिविजुअल्स को ऑफर कर देती है रादर देन गोइंग पब्लिक कंपनी को लगता है यार जनता में ऑफ़र करेंगे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होंगी बहुत खर्चा आएगा तो ऐसा ना करके कुछ सेलेक्टिव इंडिविजुअल्स को अपने शेयर देते हैं उसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स ऑफरिंग इट सिक्योरिटीज और इनवाइटिंग टू सब्सक्राइब इट सिक्योरिटीज फॉर अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सनस ठीक है इंप्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान ईसॉप क्या होता है ईसॉप होता है कि जब कंपनीज अपने शेयर अपने इंप्लॉयज़ को देती है ताकि उनको भी मालिक होने का अधिकार फील हो उनको भी ऑनरशिप फील हो उनको लगे यार हम अच्छा काम करेंगे तो हमारी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी उसको ई बोलते हैं ई सॉप मीन्स ऑप्शन गिवन टू डायरेक्टर ऑफिसर्स इंप्लॉयज ऑफ द कंपनी

इशू करें जाए फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश तो आप जानते हो या तो प्रमोटर को करे जाएंगे तो उसको क्या बोला जाता है इन कॉस्ट डेबिट टू शेयर कैपिटल या फिर एसेट के बदले में तो एसेट टू टू वेंडर वेंडर शेयर कैपिटल ठीक है देन फॉर फ्यूचर री इशू आप समझते हो फॉर फ्यूचर का मतलब क्या होता है अ शेयर होल्डर फेल टू पे कॉल्स द कंपनी इफ एमपावर्ड बाई इट्स आर्टिकल्स अगर कंपनी को राइट हो मे फॉर फीट द शेयर ठीक है फॉर फ्यूचर की एंट्री आ जाती है फिर री इशू कर सकते हो आप री इशू में बच्चे आपको याद रखना है कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है मैक्सिमम डिस्काउंट उतना हो सकता है जितना आपने प्रॉफिट बनाया है फॉरफिट करते टाइम इसका मतलब सपोज दस रुपए का शेयर था जिस पे सामने वाले ने दे दिए दो रुपए नहीं दिए थे तो जो दे दिए कंपनी वो जब्त करती है ना तो अगली बार तक अपना कैपिटल पूरा करने के लिए बस दो ही चाहिए थे बेसिकली कंपनी को कैपिटल पूरा करना है तो कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना देती है जितना पैसा उसको पिछली बार फॉरफ्यूचर के टाइम पे मिल गया था ये याद रखनाइट इसके बाद क्या आता है बेटा देन वी हैव शेयर कैपिटल को हम बैलेंस शीट में कैसा दिखाते हैं बैलेंस शीट का मैं एक सेपरेट वीडियो करूंगा तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे थे सर बैलेंस शीट मुझे हमें नहीं हो रहा तो मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है जिसके अंदर वो सारे टॉपिक्स हैं जिसमें मुझे पता है कि तुम्हें प्रॉब्लम आती है मैं वो सारे टॉपिक्स कवर कर दूंगा कल की वीडियोस में कल तो आपको टेस्ट देने हैं और एग्जाम से पहले वो वीडियोस देख लेना तुम्हारा काम हो जाएगा बिल्कुल टन 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 ठीक है अब देखो डिस्कलोजर ऑफ बैलेंस शीट बैलेंस शीट में दिखाते कैसे हैं वैसे इक्विड एंड लाइबिलिटी शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस बस इतना ही मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वॉर्ड से नहीं पूछा जाएगा इनके आप नोट्स बनाओगे शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस के और नोट में आप इस तरीके से दिखा देते हो ऑथराइज कैपिटल इशूड कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल ये मैं पूरा आपको अच्छे से समझा दूंगा इसकी चिंता मत करना ठीक है

जिन लोगों के पास डिवेंचर्स होते हैं उनको डिवेंचर होल्डर बोलते हैं और डिवेंचर होल्डर हमारे क्रेडिटर होते हैं याद रखना शेयर होल्डर हमारे ऑनर्स होते हैं ये हमारे क्रेडिटर्स होते हैं कितने प्रकार के डिवेंचर्स हो सकते हैं बच्चे डिवेंचर्स हो सकते हैं हमारे पास देखो बड़े ध्यान से नंबर वन सिक्योर्ड डिवेंचर्स अनसिक्योर्ड डिवेंचर सिक्योर्ड का दूसरा नाम क्या होता है मोर्गिस्ट और अनसिक्योर्ड होते हैं नेकेड ये याद रखना दूसरे नाम पूछ सकता है तो सिक्योर्ड डिवेंचर्स वो होते हैं जिनको पेमेंट अगर आप नहीं करोगे तो आपकी एसेट्स बिक जाएंगे यानी दैट आर बैक्ड बाय द एसेट्स ऑफ द कंपनी नेकेड होते हैं अनसिक्योर्ड जिनके पीछे ऐसा कोई एसेट की सिक्योरिटी नहीं होती अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है रजिस्टर्ड और बियर डिवेंचर बियरर डिवेंचर है कि बस आपने ट्रांसफर करा और डिवेंचर आपका हो गया सिर्फ ट्रांसफर करने से जैसे कैश होता है मनी होता है जिसको दिया उसका हो गया ना वो बियर है रजिस्टर्ड होता है अगर आपको वो डिवेंचर चाहिए तो आपको अपने नाम पर उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा यह याद रखना रिडिमेबल इन रिडीमेबल वो होते हैं जो एक फिक्स टाइम के बाद रिडीम हो जाते हैं रिडेबल होते हैं जिसके अंदर टाइम पीरियड नहीं होता कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वो होते हैं जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं नॉन कन्वर्टेबल जो कन्वर्ट नहीं होते ये आपको पता होना चाहिए ठीक है जी डिबेंचर्स किस किस तरीके से इशू करे जाते हैं या तो कैश में कैश में यानी जनता को पार प्रीमियम डिस्काउंट आपने सभी केसेज आपको पता है कंसिड्रेशन अदर देन कैश में या तो प्रमोटर को दे सकते हो अंडर राइटर को दे सकते हो वेंडर को दे सकते हो वेंडर को कब देते हो या तो आपने एसेट खरीदा है या फिर आपने चलता चलाया बिजनेस खरीदा है और अगर हम बात करें कॉलेटरल सिक्योरिटी ये काफी इंपॉर्टेंट है इसकी थ्योरी भी आ सकती है कॉलेट्रल सिक्योरिटी में दो मेथड्स होते हैं पहले मेथड में सिर्फ लोन लेने की एंट्री करते हैं दूसरे में लोन लेने की प्लस डिवेंचर साथ में देने की भी एंट्री करते हैं पार प्रीमियम डिस्काउंट आप जानते हो डिचर अपनी फेस वैल्यू पे करे गए तो पार उससे ज्यादा पे करे गए तो प्रीमियम कम पे करे गए तो डिस्काउंट प्रमोटर को दिया जाए तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस डेबिट टू प्रमोटर प्रमोटर टू डिचर अंडर को दिया जाए अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट टू अंडर राइटर अंडर राइटर टू डिवेंचर वेंडर को दिया जाए तो एसेट टू वेंडर वेंडर टू डिन्चर है ना ये आपको पता होना चाहिए इसमें गलती मत करना बिल्कुल भी बेसिक एंट्रीज आ रही है फिर डिवेंचर की बैंक डेबिट टू डिचर एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन टू डिचर है ना ये छः केसेज हैं बहुत इंपॉर्टेंट ये मिस आउट नहीं करने आपको छः केसेस सही है पक्का पेपर में क्वेश्चन आएगा इन केसेस पे इश्यू ऑफ सिक्योरिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसकी तो आपको पूरी लर्न कर लेनी है प्राइमरी सिक्योरिटी ये लाइन लर्न कर लेना बेटा प्राइमरी के साथ वेन अ कंपनी अ लोन और ओवरड्राफ्ट फ्रॉम बैंक और एनी अदर इंस्टीट्यूशन द बोरवर गिवस और ग्रुप ऑफ एसेट्स एज कॉलेट्रल सिक्योरिटी बोरोवर फेल टू पे द प्राइमरी लोन नहीं चुका पाया ऑन द ड्यू डेट लेंडर सिक्योरिटी टू रिकवर द अमाउंटल सिक्योरिटी में दो मैथड है पहला मेथड जिसमें सिर्फ आपको लोन की एंट्री करनी है सिर्फ और सिर्फ बैंक लोन अगर हम बात करें दूसरा मैथड तो दूसरे मैथड में डिवेंचर सी एड हो जाता है ओके okay, बैंक लोन जितना डिवेंचर है और बस माइनस कर देते हैं डिवेंचर स नाम से इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बच्चे याद रखना when company should debenture immediately it goes under the obligation of paying fixed interest half yearly yaad rakhna half yearly ठीक है the percentage of interest payable is calculated on the face value of debenture as per the income tax act agar hum income tax act ki baat kare तो company को TDS be deduct करना पड़ता है और TDS क्या करना पड़ता है जमा करना पड़ता है सरकार को ठीक है what is TDS TDS is tax deducted at source right नेक्स्ट 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 देखो मैं एक बार आपको ये भी समझा दूँ एक छोटी सी चीज़ है अगर आपके एग्जाम में टी आ जाए तो नॉर्मल एंट्री क्या होती है वैसे इंटरेस्ट की इंटरेस्ट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर डिवेंचर होल्डर टू बैंक ठीक है लेकिन अगर टी आ जाए तो फिर क्या होगा देखो इंटरेस्ट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू टी आपको और जोड़ना है इसमें सपोज दस परसेंट टी है अब इंटरेस्ट आपका अस्सी हज़ार रुपये का है तो अस्सी हज़ार में से आठ हज़ार का आप टी काट लोगे और डिबेंचर होल्डर को सेवेंटी टू थाउजेंडी दोगे ये याद रखना अगर टीडीएस आ जाए तो टीडीएस किस पे लगता है इंटरेस्ट पे लगता है ओके तो एंट्री क्या बनती है इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टी डी पेबल अब ये डिबेंचर होल्डर को एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर टू बैंक सेवेंटी टू थाउजेंड एंड टीडीएस पेबल डेबिट टू बैंक ये गवर्नमेंट को जाएगा आठ हजार ये अगली दो एंट्री होगी ये याद रखना ठीक है ये देखो अगली दो एंट्री डिबेंचर होल्डर टू बैंक एंड टी डी एस पेबल टू बैंक इसके बाद जितने भी लॉसेज हैं डिस्काउंट uh, या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर वो आपको सेम ईयर में ही राइट ऑफ कर देना है जिस साल में आपने इशू करे हैं और राइट ऑफ करने के लिए बस आपके पास दो ही ऑप्शन हैं आप सबसे पहला एस यूज कर लो सिक्योरिटी प्रीमियम एंड देन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ठीक है तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट टू डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अब हमारे पास शुरू हो रहा है बेटा जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनीज इसको आपको बड़े ध्यान से समझना है ताकि इसके अंदर जितना भी थियरी पोर्शन आए आप मजे में कर लो ठीक है तो अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी की तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं रिटर्न रिकॉर्ड्स होते हैं जो बिजनेस एक्टिविटी और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को दिखाते हैं उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या नेचर होता है देखो क्या लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट एब्सोल्यूट फैक्ट्स ये एब्सोल्यूट फैक्ट्स नहीं होते बिकॉज दे आर अफेक्टेड बाय रिकॉर्डेड फैक्ट्स अकाउंटिंग एंड पर्सनल जजमेंट सबसे पहले रिकॉर्डेड फैक्ट्स रिकॉर्डेड फैक्ट्स का मतलब होता है डेटा जो आपने डेटा लिखा है

तो फिनेंशियल स्टेटमेंट के अलग अलग यूजेस होते हैं जैसे नंबर वन सबसे पहला फिनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए लोन लेने के लिए डिसीजन मेकिंग करने के लिए पॉलिसी मेकिंग करने के लिए और स्टॉक ट्रेडर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रहती हैं क्योंकि वो देख के तो स्टॉक्स खरीदते हैं पॉलिसी हम अपनी स्टेटमेंट देख के तो बनाएंगे लोन हमें मिलेगा ही हमारी स्टेटमेंट्स दे के ठीक है उसके बाद फिनैंशियल स्टेटमेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है फिनैंशियल स्टेटमेंट्स अलग अलग लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं जैसे बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है टू चेक द फिनंशियल पोजिशन इनकम स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है टू चेक द प्रॉफिटेबिलिटी कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है टू चेक द लिक्विडिटी स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी क्यों इंपॉर्टेंट है टू चेक की इक्विटी में कैपिटल में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं मैनेजमेंट के लिए डिसीजन मेकिंग पॉलिसी मेकिंग के लिए स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है शेयर होल्डर्स के लिए अपना डिविडेंड देखना अपनी कंडीशन देखना शेयर उनको होल्ड करना है या बेचना है ये देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्रेडिटर्स के लिए कि इनको उधार दें या ना दें बहुत इंपॉर्टेंट है इंप्लॉईज के लिए कि उनके लिए कंपनी सेफ है या नहीं है सेफ्टी के लिए जरूरी है गवर्नमेंट के लिए टैक्स लाइबिलिटी देखने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपनी को अपनी परफॉर्मेंस देखने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है तो इन सब के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है सेक्शन याद करना है सेक्शन टू क्या क्या आता है एक बैलेंस शीट आता है बैलेंस शीट कैसी होती है हमारे पास यहाँ पे वर्टिकल होती है ठीक है इसको हम पोजिशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल इसको हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं देन वी हैव नोट्स टू अकाउंट्स नोट्स टू अकाउंट्स में हम सारे नोट्स बनाते हैं देन वी हैव कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप सारे के सारे ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग के बेसिस पे कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो देखते हो सिर्फ कैश का या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का बैलेंस शीट का फॉर्मेट पूरा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक बार जल्दी से क्विकली नजर मारो इक्विटी एंड लाइविलिटी शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल रिजर्जन सरप्लस ये सब आपको अच्छे से एक बार देखना है पूरा फॉर्मेट आप ऑलरेडी आप आपके माइंड में सेट होना चाहिए बस यहां पे बच्चे याद रखना कि यहां पे हमारे पास चेंजेस हैं सर क्या चेंजेस हैं फिक्स एसेट्स को फिक्स एसेट ना लिख के क्या लिखना है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स ये आपका मेजर हेडिंग हो जाएगा सही है अब एसेट्स नहीं लिखना क्या लिखना है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इन एसेट्स ये याद रखना ठीक है मेजर हेड में चेंज है तो अगर हेडिंग में आएगा तो आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिख के आओगे ना कि किस एसेट्स चलो देन वी हैव स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ ऑफ पी पी एंड एल आर एफ ओ अदर इनकम टोटल रेवेन्यू आ जाएगा फिर सारे खर्चे आ जाएंगे उसके बाद हमारे पास आ रहा है अब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे थ्योरी का क्वेश्चन तीन नंबर का कंफर्म्ड आने ही वाला है तो इसको तो आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है चैप्टर नंबर नाइन द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इसको आराम से पढ़ेंगे अब हम डिटेल में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इट इज अस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एनालाइज करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ठीक है टू अंडरस्टैंड एंड टू टेक इकोनॉमिक डिसीजन ताकि हम समझ पाएँ और अच्छे डिसीजन ले पाएं फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं देखो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेल्प्स द फाइनेंस मैनेजर्स इन किस किस तरीके से मदद करती है नंबर वन टू असेस द ऑपरेशनल एफिशिएंसी एफिशिएंसी कि मेरे ऑपरेशंस कितने efficiency के साथ परफॉर्म करे जा रहे हैं इफेक्टिवनेस मैनेजमेंट कितनी अच्छी है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चेक करना वीकनेस चेक करना क्रेडिट वर्दीनेस चेक करना करंट पोजिशन चेक करना कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं हमारे पास कौन कौन से तरीके के एसेट्स हैं कौन कौन सी हमारे पास लाइबिलिटीज हैं इसके बाद इंफॉर्मेशन देना कैश पोजीशन की अलग अलग अपनी कंपनीज को अपने स्टेक होल्डर्स को और रीजनेबिलिटी चेक करना स्टॉक और डेटर्स की ठीक है यह पर्पज होता है इंपॉर्टेंस होती है ये आपको लर्न करनी है ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्यों एनालाइज किया जाता है या व्हाट आर द पर्पज बिहाइंड एनालाइजिंग इतना सब आप पढ़ रहे हो कैश फ्लो पढ़ रहे हो रेशियो पढ़ रहे हो क्यों पढ़ रहे हो व्हाट इज द पर्पज नंबर वन पास्ट परफॉर्मेंस और करंट परफॉर्मेंस को चेक कर पाना रिलेट कर पाना कंपेयर कर पाना प्रिडिक्ट कर पाना कितनी ग्रोथ होगी क्या नेट इनकम होगी

कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे बढ़ती चली आती है तो मैनेजमेंट के पास एक ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए जो एक साइंटिफिक और एनालिटिकल अप्रोच रखती हो ताकि हमें देख पाए हम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं दूसरा शेयर होल्डर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने आपको पहले ही बताया कि शेयर होल्डर जो हैं वो ऑनर्स होते हैं और मैनेजमेंट जो होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है तो शेयर होल्डर को भी तो चेक करना है ना कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है तो वो कैसे देखेगा स्टेटमेंट की मदद से देखेगा तो क्या लिखा है मैनेजमेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम ऑनरशिप इन केस ऑफ कंपनीज शेयर होल्डर कैन नॉट डायरेक्टली टेक पार्ट इन द एक्टिविटीज थ्रू एनालिसिस शेयर होल्डर्स आर इंटरेस्टेड टू नो द प्रोफिटेबिलिटी एंड सेफ्टी लेंडर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वही वो, वो चेक करते हैं कि सॉल्वेंसी uh, पोजीशन कैसी है लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है कि इन्हें लोन देना है या नहीं देना है मैंने आपको ऊपर भी बताया लिमिटेशंस क्या होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की नंबर वन ये हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन शो करते हैं मतलब मेनली इसके अंदर ना जो चीज़ हो चुकी है उसके बारे में डिटेल होती है तो ये काफी हिस्टोरिकल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कम्पलाइड ऑन द बेस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट दे फेल टू टेक इन इन टू अकाउंट सच फैक्टर्स जिसकी वजह से मनी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है वैल्यू ऑफ शेयर प्राइस चेंज हो रहा है फ्यूचर में क्या क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं वो सब ये रिकॉर्ड नहीं कर पाता नंबर टू क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन इज इग्नोर्ड कई बार सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्वांटिटेटिव लिखा जाता है और कई बार ऐसी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन होती है जो जरूरी होती है लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं होती जैसे कि मैनेजमेंट में शायद ऐसा हो सकता है कि एन्वायरमेंट अच्छा नहीं है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आपस में ही नहीं बन रही तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी भाई दिक्कत रहेगी लेकिन उसको कोई रिकॉर्ड नहीं करता ये प्रॉब्लम है प्राइस लेवल चेंजेस इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल नहीं करा जाता क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड होता है विंडो ड्रेसिंग विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैनिपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं अकाउंट्स में वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिस अकाउंटिंग प्रैक्टिस में देखो अगर हम इंटर इंटर फर्म कंपैरिजन करना चाहते हैं एक फर्म का दूसरे फर्म से कंपैरिजन करना चाहते हैं तो उनकी कम से कम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस तो सेम होनी चाहिए ना बट अकाउंटिंग इतनी वास्ट है कि उसकी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस कई बार डिफर कर जाती है तो हम कंपेयर ही नहीं कर पाते फिर फायदा क्या है ना अब कंपेयर करने के लिए सर हमारे पास क्या क्या टूल्स होते हैं देखो सबसे पहले तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स में हम लोग सिंपली कंपेयर करते हैं

डेप्रिसिएशन बीस हजार है तो वो सेल का ट्वेंटी परसेंट हो गया एम्प्लॉ बस हजार है तो वो सेल का टेन परसेंट हो गया तो सेल्स की टर्म्स में सबको रिप्रेजेंट कर दिया ये कॉमन साइज है ठीक है सिमिलरली बैलेंस शीट में टोटल की रिस्पेक्ट में करते हैं कि भाई टोटल सपोज बीस लाख आया सही है और गुडविल मेरा है दो लाख ,00 तो मैं बोल दूंगा गुडविल टोटल का दस uh, परसेंट है बीस लाख ,00 का दो लाख दस परसेंट आ जाएगा ना तो उसमें हम लोग कॉमन रखते हैं एक चीज को और उसके रिस्पेक्ट में सारे एलिमेंट्स को लिख देते हैं उसको हम कॉमन साइज स्टेटमेंट बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट आप जानते हो रेशोज आप सारे के सारे अच्छे से जानते हो तो टूल्स में आपको क्या क्या लिख के आने हैं कम्पेरेटिव स्टेटमेंट साइज स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट रेशियो एनालिसिस ठीक है अब रेशोज पे जाने से पहले मुझे आपको एक छोटी सी चीज और दिखानी है पहले हम उधर चलते हैं तो ये है बच्चे हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे सवाल बन सकता है क्या है द मेथड्स और टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कितने तरीके हैं जिनसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर सकते हो तो देखो हम शुरू करते हैं सबसे पहले जो हमारे पास आता है बेटा जी वो आता है एक्सटर्नल और इंटरनल एनालिसिस सबसे पहले आता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनालिसिस इसके आने के चांसेस कम है चांसेस हैं ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये है बेटा जी साउथ इंडिया सवाल इन्हें तो रट जाना मुझे लग भी रहा है कि आएगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मतलब ये पेपर में होना चाहिए चलो एक्सटर्नल और इंटरनल एनालिसिस कौन सी होती हैं एक्सटर्नल एनालिसिस वो हैं जो बाहर वाले करते हैं जिनके पास कंप्लीट रिकॉर्ड्स नहीं होते बस वो अपने लेवल पे थोड़ा बहुत एनालिसिस करती हैं जैसे गवर्नमेंट हो गया क्रेडिटर्स हो गए बैंक्स हो गए ये लोग आपके एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं तो इट इज़ डन बाय आउटसाइडर्स दे डू नॉट हैव द अथॉरिटी टू हैव अ कम्प्लीट रिकॉर्ड्स इनके पास सिर्फ थोड़ा बहुत डेटा होता है जैसे बैंक्स इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट ये सब इंटरनल कौन होते हैं जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाले लोग यानी मैनेजमेंट कर रहा होता है ये डिटेल्ड एनालिसिस होती है इनके पास पूरा डेटा होता है मैनेजमेंट करता है अब आते हैं मेन बात पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कौन सी होती है और वर्टिकल एनालिसिस कौन सी होती है इसको आपको ध्यान से समझना है देखो जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होती है उसके अंदर हम लोग चीजों को हॉरिजॉन्टली देख रहे होते हैं हॉरिजॉन्टली देख रहे होते हैं सर कुछ समझ में नहीं आया जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि आपने अपने नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स देखने हैं तो आप बोलोगे कि भैया मेरे पास 2020 में इसको बोल दिया ए इसको बोल दिया बी मेरे पास 2000 बी क्योंकि पहले करंट ईयर फिर प्रीवियस ईयर लेते हैं ना नॉन करंट एसेट मेरे पास यहाँ पे 10 लाख के हैं पिछले साल मेरे पास 8 लाख के थे करंट एसेट मेरे पास इस साल पाँच लाख के हैं पिछले साल मेरे पास चार लाख के थे तो हम लोग ना क्या कर रहे हैं सेम चीज को यानी नॉन करंट एसेट को दो साल में कंपेयर कर रहे हैं सिमिलरली करंट एसेट को भी दो सालों में कंपेयर कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सी जिसको मैं एप्सोल्यूट चेंज बोलता हूँ एप्सोल्यूट फिगर निकालूंगा कि कितना चेंज है तो हम लोग क्या बोलेंगे दस लाख माइनस आठ लाख कितना चेंज है जी दो लाख रुपए का चेंज है चेंज चेंज कितना चेंज है? दो लाख रुपए का चेंज है एक लाख रुपये पच्चीस परसेंट का चेंज है तो देखो आठ लाख का पच्चीस परसेंट दो लाख होता है ना ये जोड़ू तो दस लाख बनेगा या नहीं बनेगा सिमिलरली अगर मैं यहां पे बोलूं तो एक लाख अपॉन चार लाख इंटू हंड्रेड तो यहाँ पे भी आप बोलोगे कि पच्चीस परसेंट का चेंज है चार लाख का पच्चीस परसेंट एक लाख आएगा तो यहाँ आ जाएगा या नहीं आ जाएगा यानी जब हम हॉरिजॉन्टली किसी भी एक फिगर को दो साल तीन साल चार साल में आपस में कंपेयर करते हैं तो उसको हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलते हैं

इसी को हम टाइम सीरीज या ट्रेंड भी बोलते हैं टाइम सीरीज क्योंकि टाइम इन्वॉल्व है इसके अंदर इसके बाद इसमें क्या होता है इसमें मल्टीपल ईयर की कंपेरिजन होती है एक से ज्यादा सालों की कंपेरिजन ऑफ सेम आइटम ऑफ डिफरेंट पीरियड देखो ऐसा ही तो कर रहा नॉन करंट एसेट सेम आइटम थी अलग अलग पीरियड्स का कंपेरिजन कर रहा था और इसका जो रिजल्ट है वो दो फॉर्म में आते हैं एप्सल्यूट में भी आते हैं और परसेंटेज में भी आते हैं एप्सलूट प्लस परसेंटेज फॉर्म दोनों में मैंने आपको दोनों में निकाल के दिखाया राइट right. इसका एग्जाम्पल है कम्पेरेटिव स्टेटमेंट्स वो जो मैंने स्टेटमेंट बनाया ना उसको हम कंपेरेटिव ही बोलते हैं ओके okay. ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की बात करते हैं वर्टिकल को हम क्या बोलते हैं स्टेटिक वर्टिकल को हम क्या बोलते हैं स्टेटिक स्टेटिक का मतलब एक ही साल का डेटा होगा सिर्फ एक साल का डेटा जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बैलेंस शीट बनाया ठीक है मैंने बोला शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल नॉन करंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी टोटल फिर बोल दिया नॉन करेंट एसेट करेंट एसेट टोटल इधर ले लिया मैंने सबसे पहले इसको शेयर कैपिटल की क्या जरूरत है बस शेयर होल्डर फंड ले, ले लेते हैं शेयर होल्डर फंड ले लिया तीन लाख ये ले लिए पाँच लाख ये ले लिया दो लाख टोटल हो गया दस लाख नॉन करेंट एसेट ले लिए पाँच लाख और ये ले लिया पाँच लाख टोटल हो गया दस लाख ठीक है अब मैं क्या चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चल जाए कि मेरा टोटल का कितना परसेंट है तो मैं बोलूँगा भैया देखो ये 2021 का डाटा है और 2021 में ही हम परसेंटेज में वैल्यू निकाल देंगे तो मैं बोलूँगा तीन लाख अपॉन दस लाख इंटू हंड्रेड थर्टी परसेंट है ये टोटल का पाँच लाख अपॉन दस लाख इंटू हंड्रेड पचास परसेंट ये बीस परसेंट ये तो पूरा हंड्रेड परसेंट हो गया तो मेरा जो टोटल है लाइबिलिटी साइड का वो कैसे बना है जिसमें 30 परसेंट शेयर होल्डर फंड है 50 परसेंट नॉन करंट लाइबिलिटी है और 20 परसेंट करंट लाइबिलिटी है सिमिलरली यहाँ पे 5 लाख अपॉन 10 लाख इसमें मैं टोटल को बेस ले रहा हूँ और इसको बेस लेके हर चीज इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ तो ये फिफ्टी ये फिफ्टी और ये हंड्रेड याद रखना जो भी आप बेस लोगे वो हमेशा हंड्रेड आएगा ठीक है वो हमेशा क्या आएगा हंड्रेड तो जब बैलेंस शीट को ऐसे कंपेयर करते हैं ना तो बेस में हमेशा टोटल लेना है जब पी एंड एल को ऐसे कंपेयर करोगे तो बेस में हमेशा सेल्स लेनी है वहां पे सब कुछ सेल्स के रिस्पेक्ट में निकलता है आर एफ ओ की रिस्पेक्ट में ठीक है तो देखो यहां पे क्या हो रहा है यहां पे हम क्योंकि सेम ईयर ईयर की बात कर रहे हैं तो स्टैटिक है सिंगल का कंपेरिजन होता है उसमें मल्टीपल ईयर आ रहे थे दो तीन चार ईयर आ रहे थे इसको हम क्रॉस सेक्शनल बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल का मतलब है कि हम हर सेक्शन को एक बेस रख के उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्रॉस सेक्शनल बोलते हैं इसके बाद कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ सेम पीरियड इसमें जो कंपैरिजन होता है वो अलग अलग आइटम्स का होता है और सेम पीरियड की होती हैं वो ये सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज फॉर्म में होता है इसका एग्जांपल है कॉमन साइज और रेशो रेशो भी तो ऐसे ही निकालते हो आप डेट कितना इक्विटी कितना दो आइटम्स को कंपेयर कर रहे हो सेम पीरियड की तो रेशो और कॉमन साइज इसका एग्जाम्पल्स होते हैं ओके ये अच्छे से एक बार स्क्रीन लेना ले लो यार ताकि तुम्हें पता रहे देन क्या है और इंटर फर्म होता है जब आप अपनी फर्म को किसी दूसरी फर्म से कंपेयर करते हो सेम ईयर में ठीक है मतलब कि जब आप अपनी फर्म को सपोज आप अपनी सेल्स 2021 की किसी और फर्म की 2021 की सेल से कंपेयर कर रहे हो तो सेम ईयर है ना क्रॉस सेक्शनल बोल दोगे इंट्रा फर्म क्या होता है इंट्रा फर्म होता है जब आप अपने फर्म के अंदर अंदर ट्रेंड देख रहे हो अपनी फर्म के अंदर अंदर कि मेरी सेल जो है 2021 में कितनी थी 2022 में कितनी थी 2023 में कितनी है तो तीन साल आ गए इसके अंदर इसीलिए इसको टाइम सीरीज या ट्रेंड एनालिसिस बोलते हैं इंट्रा सेम फर्म में होता है इंटर डिफरेंट फर्म्स में होता है यहां टाइम पीरियड डिफरेंट होता है डिफरेंट टाइम पीरियड यहां सेम टाइम पीरियड होता है ये चीज याद रखना ओके इंट्रा फर्म इंटर फर्म यह भूलना नहीं है जैसे इंटर स्कूल एक स्कूल का दूसरे स्कूल से कॉम्पिटिशन इंट्रा होता है स्कूल के अंदर अंदर वो हाउसेज में होता है ठीक है चलो जी अब बचा आपके पास एक बेसिक सी चीज जो कि है क्या जो कि है अकाउंटिंग रेशोज अकाउंटिंग रेशोज आप जानते हो जब हम अलग अलग फिगर्स को रेशो की टर्म्स में कंपेयर करते हैं अब रेशोज कई तरीके से निकल सकती है टाइम्स में निकल सकती है परसेंटेज में निकल सकती है प्रोपोर्शन में निकल सकती है और फ्रैक्शन में निकल सकती है याद रखना चार तरीके से जैसे हमने बोल दिया थ्री रेशो वन वो रेशो है वन बाय फोर वन बाय थ्री फ्रैक्शन है टाइम्स हो सकती है परसेंटेज हो सकती है ये आपको पता होनी चाहिए ठीक है ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं रेशियो के वीक स्पॉट्स ढूंढना इन्फॉमेशन देना इन्फॉर्मेशन देना टाइम सीरीज़ का इन्फॉर्मेशन देना क्रॉस सेक्शनल का ये आपको पता होना चाहिए एडवांटेजेस अकाउंटिंग रेशियोज़ के एडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं आप इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से एनालाइज़ कर सकते हो सिंप्लीफाई कर सकते हो अकाउंटिंग डेटा को रेशो आसानी से समझ में आ जाती है ना कंपेयर कर सकते हो कंपेरिजन में हेल्प करती है लोकेटिंग द वीक स्पॉट्स हेल्पफुल इन फॉरकास्टिंग चार पाँच बहुत रहते हैं अकाउंटिंग रेशियोज़ बच्चे कितने प्रकार की हैं लिक्विडिटी सॉल्वेंसी एक्टिविटी प्रॉफिटेबिलिटी लिक्विडिटी बेसिकली आपको करंट एसेट करंट लाइबिलिटी के बारे में बताती है सॉल्वेंसी आपको आपकी लॉन्ग टर्म पोजिशन के बारे में बताती है एक्टिविटी आपके डेटर आपके क्रेडिटर आपका इन्वेंट्री इसके बारे में बताती है प्रॉफिटेबिलिटी आपको अलग अलग तरीके के प्रॉफिट्स के बारे में बताती है ठीक है करंट रेशो फटाफट से फॉर्मुला रिवाइज कर लो करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी टू रेसो वन आइडियल माना जाता है क्विक रेशो वन रेशो वन आइडियल माना जाता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी पता होना चाहिए ठीक है इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंसिज एडवांस टैक्स इसमें नहीं आता नेक्स्ट वी हैव सॉल्वेंसी रेशो सॉल्वेंसी में हम लोग यूजुअली लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस देखते हैं जिसमें डेट इक्विटी रेशो डेट अपॉन इक्विटी टोटल एसेट्स टू डेट रेशो टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट्स इंटरेस्ट कवरेज रेशो ई अपॉन फिक्सड इंटरेस्ट चार्जेस प्रोपराइटरी रेशो इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स एंड डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो नया रेशो है भूल मत जाना टोटल डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी ठीक है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो इसके बाद वी हैव एक्टिविटी या फिर टर्न ओवर रेशो टर्न ओवर में इन्वेंट्री टर्वर रेशरी इंपॉर्टेंट एग्जामू से ट्रेडल टर्न ओवर रेशो ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशो देन वी हैव वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशो फिक्स एसिड टर्न ओवर रेशो नेट एसिड टर्न ओवर रेशो ये दो रेशोज भी नहीं है मैंने रेशोज का वन शॉट डाला हुआ है कुछ बच्चे कन्फ्यूज थे कि सर रेशो का वन शॉट ऑलरेडी अपलोडेड है प्लेलिस्ट में जाके देखो उसमें मैंने सारी रेशोज कवर करी है अगर आप उसको भी देख लेते हो काम हो जाएगा भैया आपका ठीक है ये दो नई रेशोज हैं देन वी हैव प्रोफिटेबिलिटी रेशोज जिसमें जी पी ऑपरेटिंग रेशो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इसके बाद आता है हमारे पास नेट प्रॉफिट रेशो और आर वाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये आपको बड़े ध्यान से सारे रेशियोज देखने हैं सही देन वी हैव कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है एक ऐसा स्टेटमेंट जो आपको क्या दिखाता है ऑल द इनफ्लोज एंड आउट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ये याद रखना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इसके अंदर क्या क्या आता है बैंक मार्केटेबल सिक्योरिटीज करंट इन्वेस्टमेंट्स चेक्स ड्राफ्ट सब आ जाते हैं इनफ्लो दिखता है और आउटफ्लो दिखता है कैश फ्लो के बेनिफिट क्या होते हैं आपके लिक्विडिटी प्रॉफिटेबिलिटी बताता है ऑप्टिमम कैश बैलेंस कितना होना चाहिए कैश मैनेजमेंट में मदद करता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन में हेल्प करता है ठीक है ये आपको पता होना चाहिए मूवमेंट ऑफ कैश प्लानिंग कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है इसके बाद कैश एंड कैश इक्वेलेंट्स में क्या क्या आता है कैश इन हैंड कैश एट बैंक डिमांड डिपॉजिट्स उसके बाद हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो आ जाती हैं ऑब्जेक्टिव्स और लिमिटेशंस बच्चे एक बार आपको बस रीड कर लेने हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कैश फ्लो के क्या क्या, क्या limitations होते हैं लिमिटेशन में सबसे बड़ा लिमिटेशन यही है कि ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन को इग्नोर करता है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड है सेकेंडरी डेटा पे बेस्ड है ठीक है इसके बाद अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की तो हमें सोर्स पता चलता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है उसके बाद एप्लीकेशन पता चलता है कि पेमेंट कहाँ हो रहा है ये हमें देखने में मदद करता है और नेट चेंज कितना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में उसके बाद ए एस थ्री याद रखना रिवाइज ए एस थ्री अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड के अनुसार कितने प्रकार की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग इनडायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस में है ऑपरेटिंग में सबसे पहले एनपीबीटी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स उसके बाद क्या क्या ऐड करना है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिज लॉसेज ऐड करने हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम गेन माइनस करने हैं फिर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पहुँच जाओगे फिर करंट लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है तो प्लस कर देना कम हो रही है तो माइनस कर देना करंट एसिट बढ़ रहा है तो माइनस कर देना कम हो रहा है तो प्लस कर देना फिर आप कैश जनरेटेड पे पहुंच जाओगे इनकम टैक्स माइनस करना फाइनली आप पहुंच जाओगे कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ उसके बाद एक छोटी सी चीज़ लिखी हुई है कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम प्लस माइनस कर दो तो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे पहुंच जाते हो ओके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैंने आपको बताया है दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो है फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट सिर्फ उनसे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे आती हैं खास तौर पर इसमें आपको याद रखना है इंटरेस्ट uh, और डिविडेंड का ट्रीटमेंट इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में तो ये बिल्कुल भी मत भूलना ठीक है फाइनेंसिंग में क्या क्या आता था शेयर कैपिटल और लोन उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें फाइनेंसिंग में आती हैं फिर लास्ट में आप बस तीनों को प्लस करते हो जिसको नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बोलते हैं ऐड करो ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट्स फाइनल जो आपके पास आना चाहिए वो क्लोजिंग कैश इक्विवेलेंट्स के बराबर आना चाहिए और इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं जैसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलता है करंट माइनस प्रीवियस प्लस टिप ओके एंड और तो कुछ खास नहीं है बाकी सारी चीज़ें यही हैं मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इन वन शॉट्स ने काफी मदद करी होगी पूरा सिलेबस एक बार गो थ्रू करने में और काफी सारी चीजें इंक्लूड हैं इसके अंदर इसके बाद मैं आप लोगों को एक डिफरेंसेस का वीडियो दूंगा जिसमें थ्योरी के इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होंगे क्योंकि थ्योरी भी दो तरीके की है ना मुझे वीडियो करनी थी इस तरीके की जो आपको सब कुछ करा दे तो ये वीडियो मदद करेंगी आज और कल में आपको सब कुछ कवर करने में एक वीडियो और करूंगा जिसमें कंप्लीट तीनों किताबों के सिर्फ डिफरेंसेज होंगे उसके बाद आपका कुछ भी पोर्शन नहीं बचेगा दैट इज ऑल सेट थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर वॉचिंग अच्छे से पढ़ाई करो मैं आपको मिलता हूं बहुत जल्द कुछ और नई वीडियोस के साथ टेक केयर बाय